अपराधियों का तांडव, बेबस पुलिस, करोड़ों के जेवरात की लूट, किसने दी छूट, सोता रहा प्रशासन, लूटते रहे अपराधी, कानून की नाक के नीचे अपराधी जमकर तांडव मचा रहे हैं, पुलिस को खुलेआम चुनौती तक दे रहे हैं। इस तस्वीर को देखिए, कैसे बदमाश दुकान के अंदर हथियार के साथ पहले दाखिल होते हैं, बंदूक लहराते हैं और फिर लूटपाट करने लगते हैं। ये तस्वीर मोतिहारी के चकिया की है। अपराधियों ने एक जेवर की दुकान पर धावा बोल दिया और दो भाइयों को गोली मार दी। नकाबपोश अपराधियों की गोली से घायल दोनों भाई दुकान में बैठे हुए थे, उसी समय हथियारबंद अपराधी दुकान में घुसे और फायरिंग कर दी। अपराधी दुकान से बोरा में भरकर करोड़ों के जेवरात लूट ले गए। वहीं जख्मी स्वर्ण व्यवसायी भाइयों को इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम में भर्ती करवाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार केसरिया रोड में छोटकी बाजार स्थित देवीलाल प्रसाद ज्वेलर्स की दुकान पर सुधीर सर्राफ और पवन सर्राफ दोनों भाई बैठे हुए थे। उसी दौरान 8 की संख्या में हथियारबंद अपराधी आए। अपराधियों को देख दोनों भाइयों ने कहा कि दुकान से जो लेना है ले लो। उसी दौरान पवन सर्राफ ने अपने पास रखे पिस्तौल को निकालना चाहा, तभी अपराधियों ने फायरिंग कर दी। अपराधियों की गोली पवन सर्राफ के हाथ में और उसके भाई सुधीर के पेट में लगी है। हम लोग दुकान पे बैठे थे, वो आया है, 8 आदमी लगभग था और 8 आदमी के दोनों हाथ में पिस्टल था, बंदूक था। और जैसे ही हम अपना पिस्टल निकाले तब तक वो फायरिंग शुरू कर दिया, तो हमने छोड़ दिया। अगर हम फायरिंग करते तो सबको मार देता। और उसके बाद जो सोना का डिब्बा उबा था वो सब लूट के ले गया है। तो आप लोग को कैसे गोली लगी? वो गोली वो मारा है, हम लोगों को चलाया है तब लगी है। लूट के प्रयास कर रहा था, विरोध किए? इसमें विरोध तो नहीं किए हैं, उसको हम बोले भी कि आप ले लीजिए जो लेना है, लेकिन मारने से क्या फ़ायदा, आप ले जाइए। उस बीच में हम अपना पिस्टल जो सही निकालने का प्रयास किए तब तक उसको आइडिया मिल गया होगा, वो जो फायरिंग कर दिया है। घटनास्थल से पुलिस को 5 कारतूस मिले हैं। उधर घटना के बाद स्थानीय लोगों ने अपराधियों का पीछा भी किया, लेकिन अपराधी पीछा करने वालों पर फायरिंग करने लगे, जिस कारण ग्रामीण लौट आए। उधर पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी हुई है ताकि अपराधियों की पहचान हो सके। रंजीत मोतिहारी।